बेटा थ्री लेक्चर्स जो हैं हमारे टिग्नो के हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिग्री मेजर और रेडियन मेजर के बारे में, और हमने कन्वर्जेंस देखी थी कि डिग्री मेजर टू रेडियन मेजर कैसे करते हैं, रेडियन मेजर टू डिग्री मेजर कैसे करते हैं। सेकंड चैप्टर में हमने अलाइड एंगल पढ़ा था, ग्राफ पढ़ा था, रेंज डोमेन पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, और उन्हीं के बेसिस पे हमने क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 3.2। अब थर्ड एक्सरसाइज जो है बेटा आपकी बेस्ड है कुछ फॉर्मूलाज पे, ठीक है। तो वो फॉर्मूलाज थोड़ा सा मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगी कि हमें 25-30 फॉर्मूले याद करना एक ही चैप्टर में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, 2-3 दिन के बाद आप फिर से भूल जाते हैं। लेकिन कुछ इस तरीके से मैं कोशिश करूंगी कि आपको याद रहें कि अगर आपको कभी भी उसकी जरूरत पड़े तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े, आप फटक से बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्मूला जो है वो डेवलप कर लें। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी कंसंट्रेशन बनानी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है हमारी, तो हमारी जो आइडेंटिटी होती है, अगर सिर्फ हमें एक ही आइडेंटिटी याद है साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1, तो बाकी की दो याद रखने की जरूरत नहीं है हमें। सिंपली हम इसको अगर डिवाइड कर दें पूरा साइन स्क्वेयर एक्स के साथ तो हमें ये आइडेंटिटी मिल जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वेयर एक्स, क्योंकि कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट। और फिर से अगर हम इसको डिवाइड कर दें कॉस स्क्वेयर एक्स के साथ तो मुझे मिल जाएगा टेन स्क्वेयर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस क्या होएगा सेक्स स्क्वेयर एक्स, ठीक है। तो सिर्फ ये याद है, इन दोनों में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो अब मैंने इसको क्लियर कर दिया कि सिर्फ अगर ये याद है आपको तो ये आराम से आपकी निकल के आ जाएंगी, आपको इन दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये फॉर्मूले आते हैं आपके, ठीक है, आपने याद रखना है सी डी ओ। सी डी ओ मतलब कॉस, जब कॉस होगा डबलेट आएगा और अपोजिट साइन आएंगे, ठीक है। तो आपने याद रखना है सी डी ओ। तो ये चार फॉर्मूले हैं, सिर्फ ये चार फॉर्मूले आपको याद हों तो इसके बेसिस पे आपके 12 फॉर्मूले जो हैं वो निकल के 12 क्या इनफैक्ट 15-16 फॉर्मूले जो निकल के आ जाएंगे। तो हमने याद रखा सी डी ओ। सी डी ओ का क्या मतलब है, कॉस डबलेट अपोजिट साइन, ठीक है। अगर मेरा है कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो मतलब जब कॉस होगा तब डबल डबल आएंगे, कॉस डबल आएगा साइन डबल आएगा, लेकिन साइन क्या आएगा बीच में, अपोजिट आएगा। तो वही था सी डी ओ, कॉस ए प्लस बी क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सिमिलरली कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी साइन अपोजिट हो जाएगा प्लस साइन ए साइन बी। अब साइन ऑफ ए प्लस बी, अब साइन ऑफ ए प्लस बी में ना तो डबलेट होगा और ना ही साइन अपोजिट होंगे, क्यों, क्योंकि ये हमने सी डी ओ कॉस में ये लग रहा था, साइन में ये नहीं लगेगा। तो इट मीन साइन ऑफ ए प्लस बी में क्या होगा, ना तो डबलेट होगा ना साइन अपोजिट होगा, मतलब अगर यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, और डबलेट भी नहीं होगा। डबलेट नहीं होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। यहाँ पर प्लस है यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस रहेगा। तो अब हम कुछ और फॉर्मूले डिराइव करते हैं। अगर मुझे कॉस ऑफ 2x चाहिए, ठीक है, जैसे ये वाला यही फॉर्मूला है ना मेरे पास, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां पर मैं क्या कर दूं, ए और बी दोनों की जगह पर x डाल दूं, तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ x प्लस एक्स। तो मुझे मिल जाएगा, हमने सिर्फ ये चार फॉर्मूले याद रखने बेटा, तो इन चार फॉर्मूलों से ना सारे के सारे फॉर्मूले निकल आएंगे, ठीक है। अब कॉस ऑफ 2x मेरा यहाँ पर डाल दो, वैल्यूज क्या आ जाएगी, ये कॉस एक्स कॉस एक्स, ये साइन एक्स साइन एक्स, तो मुझे मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यही मिल गया। अब कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं आइडेंटिटी यूज कर सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां से मुझे क्या दूसरा फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं यूज कर सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहां से दूसरा फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो देखो ये सारे के सारे फॉर्मूले सिर्फ एक इस फॉर्मूले से मेरे ड्राइव हुए। तो ये एक टैन वाला भी है, ठीक है, तो अगर ये वाला जो है इसमें मैं क्या कर दूं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी मैंने बताया है यहां पर, देखो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स के साथ, क्योंकि ये 1 ही होता है ना, तो मैं डिवीजन में लिख सकती हूं, उसके बाद हर टर्म को डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर एक्स के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स, और यहां पर 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। तो इसका एक फॉर्मूला ये भी है, 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। सिमिलरली जब साइन का फॉर्मूला होगा साइन ऑफ 2x में, ये है ना साइन ऑफ a प्लस बी, तो इसमें भी x x डाल दो, तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी, क्योंकि यहां पर आके आएगा साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, तो 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स। तो टैन की टर्म्स में सिमिलरली इसको भी ऐसे करके डिवाइड कर लेंगे, तो 2 टैन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। और ये
tan के कुछ फॉर्मूले हैं, ये हमने डेरिवेशन से नहीं, ये हमें सिंपली लर्न करने हैं, याद रखने हैं. tan ऑफ x प्लस वाई क्या होता है? tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan y. ऊपर प्लस रहता है तो यहाँ पर भी प्लस रहता है. सिमिलरली tan ऑफ x माइनस y क्या होता है? tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x tan y. ऊपर माइनस माइनस सेम. अब क्या है, tan 2x का फॉर्मूला अगर मुझे निकालना है तो क्या कर लो, सिंपली यहाँ पर इसमें tan 2x, इसमें x और y दोनों को x x रख लो, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, tan x प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan x, तो मिल जाएगा 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x. ठीक है, तो ये मिल गया मुझे. सिमिलरली cot ऑफ x प्लस y अगर है तो ये क्या आ जाएगा, cot x cot y माइनस 1 डिवाइडेड बाय, उल्टा लिखना है, cot y प्लस cot x. ठीक है, एनसीईआरटी में cot x प्लस cot y लिखा होगा, हालांकि हम वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि मैंने पहले यहां पर क्यों लिखा. अगर जब हम देखेंगे cot ऑफ x माइनस y तो वो भी क्या आ जाएगा, cot x cot y, यहाँ माइनस होता है, tan में ऊपर सेम साइन रहता है ना, cot में अपोजिट हो जाता है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस. अब देखो नीचे cot y माइनस cot x, यहां पर अगर मैं cot x प्लस cot y लिखती ना तो यहां पर मुझे याद रखना पड़ना था कि एक में उल्टा एक में सीधा, तो इसीलिए दोनों में यही रख लो कि cot y cot x, पहले y आएगा तो चाहे प्लस लिखो और दूसरे में माइनस, तो फिर आपको याद रहेंगी चीजें. सिमिलरली cot 2x निकालना है तो इसमें x x कर लो, तो क्या आ जाएगा यहां पर, cot स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cot x. तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रहेगा. तो ये तीन फॉर्मूले हैं, ये तो आपने अच्छे से रट लेने हैं. ठीक है, इनकी फिलहाल मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, कोई टिप नहीं है याद करवाने की आपको. तो ये आपने अगर साइन का फॉर्मूला याद रखना है, साइन 3x क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और कॉस का जो है साइन का उल्टा हो जाता है, यहां आ जाएगा 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 साइन, सॉरी 3 कॉस x. ठीक है, और tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x. तो इसको हम tan x कॉमन लेके ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मूले जो है आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी सी सिंपल सी डी ओ याद रखोगे, उससे ही काफी फॉर्मूले हमारे निकल के आ रहे हैं. अब देखो ये है सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूले, मतलब सम को हमने प्रोडक्ट में करना है, और इसी तरह के एक होता है प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले. ठीक है बेटा, अब सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूले में हमने क्या करना है, देखो साइन, चलो ये भी मैं अभी छोड़ती हूं. देखो एक चीज यहां पर कॉमन है, 2 2 2 2, ये प्लस ही है. ठीक है, और a प्लस बी बाय 2, 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 a माइनस 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 बी बाय 2. हमें सिर्फ क्या करना है कि यहां पर ऑर्डर पता करना है. ठीक है, ऑर्डर पता करना है कि पहले क्या आएगा. तो देखो बच्चे, जब भी साइन ए प्लस साइन बी, तो मतलब ये किस फॉर्मूले के साथ लिंक्ड है, ये साइन ए प्लस बी के साथ है. तो जब भी यहां पर देखो मैंने लिखा है इफ साइन इज पॉजिटिव, अगर साइन पॉजिटिव आ रहा है ना तो आप ये वाला ऑर्डर जो पहले वाला है ना वो चुनोगे, कि मतलब पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा. अगर यहां पर नेगेटिव आ गया ना तो दूसरे वाला चुनोगे, पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा. अब साइन ए प्लस साइन बी, तो ये मतलब ये वाला बीच में क्या है, प्लस है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा मेरा, साइन और कॉस. टू तो रहता ही है, ऑर्डर आ गया साइन और कॉस, और पहले वाले के साथ हमें पता है ए प्लस बी बाय 2, और दूसरे वाले के साथ ए माइनस बी बाय 2. अब देखो साइन ऑफ ए माइनस बी, अब इसी फॉर्मूले में मैंने बोला कि अगर नेगेटिव आ जाएगा तो दूसरा ऑर्डर हमने चुनना है, मतलब पहले कॉस और फिर साइन. तो टू तो रहता ही है, पहले कॉस फिर साइन, और पहले वाले के साथ आता है ए प्लस बी बाय 2, और दूसरे वाले के साथ आता है ए माइनस बी बाय 2. तो अब सिमिलरली यहां पर कॉस देखिए, यहां पर प्लस है, ये प्लस है ना, तो पहला ऑर्डर क्या है इसका, कॉस है कॉस बी, तो मतलब कॉस 2 रहेगा और कॉस ही आएंगे दोनों. ठीक है, तो कॉस पहले के साथ ए प्लस बी बाय 2, दूसरे के साथ ए माइनस बी बाय 2. अब माइनस जब आएगा, दूसरा ऑर्डर क्या है इसका, साइन और साइन, और नेगेटिव है साथ में, यहां पर बाहर आएगा जब कॉस वाले नेगेटिव होंगे. तो माइनस सिर्फ यहां पर माइनस 2 लगा दिया, साइन और साइन आएगा, तो पहले वाले के साथ ए प्लस बी बाय 2, और दूसरे वाले के साथ ए माइनस बी बाय 2. तो अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो यहां प्लस है, उसने यहां पर बी माइनस ए लिखा है, तो आई थिंक इट इज इजियर देन दैट फॉर्मूला. ठीक है, तो यहां पर आपको सिक्वेंस नहीं टूटेगा कि पहले वाले के साथ ए प्लस बी बाय 2 लिखना है और दूसरे वाले के साथ ए माइनस बी बाय 2 लिखना है. तो देखो ये भी मैंने कौन से फॉर्मूले यूज किए, जो मैंने सीडीओ में आपको स्टार्टिंग में चार फॉर्मूले बताए थे, उन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके आपका बिल्कुल आसानी से ये सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूले ये लर्न हो जाएंगे. ठीक है,
अब इसी एक्सरसाइज के कुछ लास्ट फॉर्मूले हैं, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फॉर्मूले। ठीक है, पहले हमने क्या किया कि सम और डिफरेंस में थे तो उनको क्या किया, प्रोडक्ट में चेंज किया। अब प्रोडक्ट में गिवन होंगे तो हमने उनको सम या डिफरेंस में करना है। तो ये भी मैं जो सीडीओ स्टार्टिंग के चार फॉर्मूले बताए थे उन्हीं को यूज करते हुए आपको बताऊंगी। ठीक है, अब देखो, टू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, अब आपको अगर याद हो सीडीओ में दो फॉर्मूले हैं मेरे पास, कॉस के, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। ठीक है, कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट फार्मूला निकालना है ना, इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड कर दिया जब, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा टू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि ए माइनस बी है ना, ये ए माइनस बी पहले है तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या आ जाएगा, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस माइनस पॉजिटिव आ जाएगा तो टू साइन ए साइन बी। ठीक है, सिमिलरली ये साइन और इसका चाहिए मुझे, अब साइन के दोनों फॉर्मूले लिख लो, एक बार दोनों को ऐड कर लो, जब दोनों को ऐड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मुझे मिल जाएगा टू साइन ए कॉस बी। अब जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा, तब ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये मुझे मिल जाएगा टू कॉस ए साइन बी। तो आई थिंक सीडीओ यूज करके हमने प्रोडक्ट के जो है, प्रोडक्ट की कन्वर्जन है जो सम फॉर्मूले में, वो भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये बेटा इतने फॉर्मूले पहले जितना सिंपल हो सकता था मैंने उतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाए हैं। सिर्फ चार फॉर्मूले यूज करने हैं, चार फॉर्मूले वो आपको याद रखने हैं, और वो भी याद रखने की मैंने आपको ट्रिक बताई है, सीडीओ कॉस डबलेट डिफरेंस और साइन में उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले याद करके आपकी ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक जो 3.3 एक्सरसाइज है ये इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड है। तो ये आप पहले ये चार फॉर्मूले जो हैं अच्छे से करेंगे, और ये जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए हैं इनको अच्छे से बिना देखे बिना याद किए समझते हुए कंसेप्ट से लिखेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसकी।